सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट न्यूज़ और जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, लॉकडाउन 5.0 का घोषणा हो चुका है और सरकार का ये कहना है कि ये लॉकडाउन 5.0 नहीं, एक तरह से अनलॉकडाउन 1 है। जी हाँ, सही सुना आपने, अनलॉकडाउन 1, यानी कि इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पर पाबंदियाँ हैं, वो धीरे धीरे करके 3 चरणों में खोल दिया जाएगा, उस पर पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। इसके अलावा लॉकडाउन 1 महीने यानी कि 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। और क्या क्या प्रोटोकॉल आपको लॉकडाउन 5.0 में फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं, कहाँ छूट मिलेंगी, कहाँ क्या पाबंदियाँ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी आपके सगे संबंधी मित्र हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप हेडलाइन भी देख सकते हैं, लॉकडाउन 5 गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अभी 3 चरणों में अनलॉक होगा देश, जाने कैसे शुरू होगा राहतों का दौर। ठीक है, दिल्ली ANI का रिपोर्ट है कि सरकार ने 1 महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक आने वाले दिनों में लॉकडाउन से 3 चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक पहले फेज में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स 8 जून 2020 से खोले जाएंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं सीधे सरल भाषा में, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धर्मों के जो पूजनीय स्थल हैं, उन सभी को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि यानी कि गेस्ट सेवाएं जो हैं वो, और इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो 8 जून से खुल जाएंगे। लेकिन इसके साथ शर्तें भी जो हैं लागू रहेंगी। कौन कौन सी शर्तें हैं वो आपको वीडियो में पता चल जाएंगी। सरकार ने ये भी कहा है कि वहाँ पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा और गाइडलाइन रखनी पड़ेगी जिन एरिया में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं। जो एरिया कंटेनमेंट जोन में है, वहाँ पर लॉकडाउन 30 जून तक रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में बोला कि 3 फेज़ में लॉकडाउन खुलेगा, तो हम लोग तीनों फेज़ धीरे धीरे देखेंगे। पहले फेज़ में क्या क्या खुलेगा, किस पे पाबंदियाँ रहेंगी, इसके अलावा दूसरा और अंत में तीसरा फेज भी पे ही हम लोग नज़र डालेंगे। अगर हम लोग बात करें पहले फेज़ की, तो पहले फेज़ में इसमें 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें यानी कि जहां आप इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, वो जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सेवाएं जो हैं उनसे जुड़ी सेवाएं जो हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगे सरकार की, जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। दूसरा फेज़ जो है वो आप देख सकते हैं, दूसरे फेज़ में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकेंगे। लेकिन इसके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा। राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद, सारे प्रश्नोत्तर, सारे फीडबैक लेने के बाद ही दूसरे फेज़ में इन सभी चीज़ों पे छूट दी जाएंगी। जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, इन सभी पे जो पाबंदियाँ लगी हैं इनको हटा दिया जाएगा दूसरे फेज़ में। इसके बाद तीसरे फेज़ की हम लोग बात करेंगे। तीसरा फेज़ अंतिम फेज़ होगा। जैसा कि मैंने वीडियो को पहले में भी बोला कि सरकार ने ये संबोधित किया है पूरे देश को कि यह लॉकडाउन 5.0 नहीं बल्कि एक तरह से अनलॉकडाउन 1 है। तो तीसरे फेज़ के बाद जो है वो पूरी तरह से जो हमारी या फिर सारे देश की पुरानी जीवन शैली है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पे आ जाएंगी। तीसरे फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे फेज़ में देखिए क्या होगा। इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं
मेट्रो रेल सेवा जो है, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, एडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसे बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोले जाने की बात भी हुई है तीसरे चरण में, ठीक है, तीसरे फेज़ में। इसी चरण में सामाजिक राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात भी हुई है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायज़ा लेने के बाद ही होगा। यहाँ पे जो अंतिम लाइन लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि फैसला जो ये सब लिया जाएगा तीसरे फेज़ का, जिसमें मेट्रो रेल सेवाएं, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम वगैरह पे सब कुछ ये सब खोल दिया जाएगा, तो फैसला जो है वो हालात का जायज़ा लेने के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए कि उस टाइम कोरोना अगर अपने पीक पे रहे तो तीसरा फेज़ में जो यहाँ पे बोला गया है सरकार द्वारा कि ये सारी चीज़ों में छूट दी जाएंगी, तो इन पे पाबंदियाँ बनी रहेंगी, हो सकती हैं, ठीक है। और अगर बात करें लॉकडाउन की, तो 24 मार्च से, जैसा कि आपको पता है, पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद इसको बढ़ाया गया और लॉकडाउन उसके बाद 2, 3, 4, इन तीन चरणों में आया, ठीक है। पहले अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के केसेस देखे जा रहे थे जो 3 दिनों में दोगुने हो रहे थे, वो लॉकडाउन के बाद 16 दिनों में दोगुने यानी कि डबल हो रहे हैं। सरकार के समर्थन में ये सब बातें भी सुनने को मिल रही हैं, जो कि कहा जा रहा है सभी लोगों के द्वारा। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरों देशों के मुकाबले भारत में डेथ रेट भी बहुत कम है। इसके अलावा मरीज़ों का इलाज करके घर भेजने का भी जो रेट है वो भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी जो है वो भी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद भी अगर हम लोग इस बात पे नज़र डालें तो आप जान सकते हैं, अगर न्यूज़ डेली फॉलो करते हैं, कि लगभग अभी 6500 से 7000 कोरोना के केसेस डेली आपको देखने को मिल रहे हैं। एक प्रश्न ये भी दिमाग में उठ रहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना के केसेस इतने तेज़ी से फैल रहे हैं, उस समय सरकार लॉकडाउन में ढील क्यों दिए जा रही है। पिछले 109 दिनों में जो कोरोना के केसेस 1 लाख हुए थे, वही अगले 50 दिनों में 50,000, माफ़ कीजिएगा, अगले 9 दिनों में 50,000 और बढ़ चुके थे। इसके अलावा तीनों फेज़ की बात करने के अलावा अगर हम लोग कर्फ्यू के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रात में जो 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहता था, वह उसमें अब बदलाव हुआ है। अब जो कर्फ्यू है वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अंतर्राज्यीय यात्रा के अलावा, आप अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। यही नहीं, राज्य में भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये था लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉकडाउन 1 का सारा गाइडलाइंस, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके सगे संबंधी मित्र हैं उन सभी के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा फैला दें। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।